दोस्तों क्या भी कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, डर जाते हैं, पसीना आने लगता है चेहरे पे, रुक जाते हैं, लगातार नहीं बोल पाते हैं, तो अपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में कि कैमरे के सामने कैसे बोल सकते हैं बिना रुके, बिना डरे, लगातार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक बोल सकते हैं बिना रुके। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना, साथ में मैं आपको कई स्टेप बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100% गारंटी है कि कैमरे के सामने आप बिना रुके, बिना डरे, बिना हिचकिच आप बोल सकते हैं मेरा के सामने। इसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहना एंड चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह कंटेंट देखने को मिलते रहता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि आप जैसे ही हाथ में लेते हैं अपने स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन को नहीं देखना है। जब आप बोलना स्टार्ट करिएगा तो आपको स्क्रीन को नहीं देखना है। यहाँ पर जो कैमरा होता है मोबाइल फ़ोन में, उस पर आपको इस तरीके से ध्यान से देखना है। आपको ये मान लेना है कि ये GF है या कोई मेरा फ्रेंड है, इससे मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है या स्टैंड में रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको बोलना स्टार्ट करना है पूरा सुरीली आवाज़ में, एक तरह एकदम बोलना स्टार्ट करिएगा बिना रुके, बिना डरे। जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अगर अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो आप कभी नहीं भूलिएगा, लगातार बोलिएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो इस बात को गौर करिएगा, जब भी बोलना स्टार्ट करिएगा तो कैमरा को देखना है या नहीं स्क्रीन को देखना है, नहीं तो आपका वीडियो अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा स्टेप है, जैसे कोई टॉपिक आपको दिमाग में आया तो उसे आप यहाँ पर कॉपी पर नोट करिए। देख सकते हैं मैं कॉपी पर नोट करके लिख लेता हूँ, तभी मैं आपको लोगों को वीडियो बना कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैमरे के पीछे या मोबाइल के पीछे यहाँ पर रख देना है, उसे देख के बोलना है। अगर आप देख के नहीं बोल पाते हैं तो यहाँ पर लिख लेना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। लिखने के बाद आपको उसे 1 से 2 बार एक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप कैमरा के सामने आना है और कैमरे के लेंस को देखना है, स्क्रीन को नहीं देखना है। उसके बाद खड़ी होना है, खड़ी होने के बाद जैसे कि देख रहे हैं कैमरे को, मान लेना है कि GF है या कोई फ्रेंड है। उसे देखने के बाद कि हम बात कर रहे हैं उससे, अब बोलना स्टार्ट करना है। जब भूलिएगा तो बीच में स्टॉप करके फिर बगल में कॉपी रखिएगा और उसको देख के बोलना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी है, लगातार बोल सकते हैं। आप लोगों के मन में एक डाउट ज़रूर आता होगा, आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं 8 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं लोग लगातार बोलते हैं, तो ये बात नहीं है। आपको दिमाग में बैठाना कि वो लोग लगातार बोलते हैं। वो लोग जब भी स्टार्ट किए थे तो 0 से स्टार्ट किए थे, वो भी बोलते थे तो 10 बार बोलते थे, एक ही वर्ड को 10 बार बोलते थे। तो आप लोग एक दिमाग में हटा दीजिए कि वो लगातार बोलते हैं, अब उनके पास एक्सपीरियंस हो गया तो लगातार बोल लेते हैं। आप लोगों को ये सोचना गलत है, ये भूल है। कोई भी आदमी जब पैदा लेता है तो वहाँ पर देखते होंगे बच्चे बोलना एक दिन से स्टार्ट नहीं करता, 1 महीने के बाद बोलना स्टार्ट करता। तो आप लोगों को यही है कि जब आप स्टार्ट किए तो 5-6 वीडियो, 8 वीडियो, 10 वीडियो आप लोग को दिक्कत होगा। उसके बाद आप जैसे ही 50 वीडियो, 10 वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपके पास भी एक्सपीरियंस आ जाएगा बोलने का, और फिर आप भी बोल सकते हैं 10 मिनट, 8 मिनट लगातार आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर आप दोनों स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो मेरे 100% गारंटी है कि आप कैमरे के सामने बिना रुके, बिना डरे बोल सकते हैं, ये मेरे 100% गारंटी है। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, मन में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन ले सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। जाकर कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं मेरा पहला का वीडियो, मैं सारा जितने भी कॉमेंट सेक्शन लिखते हैं सब लोग, मैं उनका हेल्प जरूर करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं।